फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी है आज, और उसका रीज़न बने हैं दो तीन धमाकेदार न्यूज जो जियो मार्ट और साथ में रिलायंस रिटेल वेंचर को लेकर आई है। वो सारी न्यूज़ क्या क्या है, उस न्यूज़ का क्या असर इसके ऊपर होने वाला है आने वाले समय में, और कितनी तेजी बनने वाली है, और क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के टारगेट सामने दिख रहे हैं, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। आज आपको आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन बन रही है, आपको इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, सारी रणनीति आपको इस वीडियो के द्वारा समझ में आ जाएगी। और वो जो धमाकेदार न्यूज है उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। करीब 3% के ऊपर अभी कारोबार चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सुबह से इसमें तेजी का माहौल बना हुआ है। और इसका जो रीज़न बनी है वो धमाकेदार न्यूज़ें है जो कल के दिन में आई थी, और अब उसका जो इफेक्ट है तो उसका असर भी हुआ था, और उसके बाद भी जो न्यूज निकल कर आई है तो सारा इफेक्ट इसके स्टॉक के ऊपर पड़ रहा है, और इसमें तेजी का माहौल बन गया। बीच के दिन में इसमें ज़बरदस्त एक गिरावट हुई थी, लगभग 7-7.5% के करीब गिरावट हो गई थी, और जिसकी वजह से लोगों को निचले भाव पे खरीदारी करने का मौका मिला था। और अब इसमें ज़बरदस्त बाइंग चल रही है और अच्छी खासी इसमें तेज़ी दिख रही है, तो आगे लोगों की भी होप बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टारगेट भी अच्छे दिए इसमें, और इसमें लोगों ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने भी इसको लेकर बुलिश है, तो अभी आगे वो सारी हम डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अभी करीब मार्केट शुरू है, 1-1.5 बजे के बीच का टाइम है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1990 पर ओपन हुआ है, और इसने 1978 का लो बनाया है, और वहाँ से इसमें तेजी बनी है ज़ोरदार। ऊपर के भाव में इसने 2229 की आज हाई बनाई है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 2024.80 पर, यानी करीब 3.57% अप पर ट्रेड कर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो BSE में करीब 1327,680 शेयरों की अभी तक ट्रेडिंग हो चुकी है, और उसमें करीब 5,30,541 शेयरों की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। डिलीवरी का परसेंटेज है 39.96%, यानी 40% के करीब डिलीवरी उठाई गई है, यानी बहुत बड़ी मात्रा है, और इसलिए इससे लग रहा है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। NSE की बात करें तो 2,04,10,138 शेयरों की अभी तक वॉल्यूम हो चुकी है, और सामने 68,61,124 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, यानी डिलीवरी 33.62% की उठाई गई है। बहुत बड़ी मात्रा है डिलीवरी की भी, और अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। लोगों को अब इसमें लग रहा है कि इसमें तेजी की संभावना आगे बनने वाली है, और उसका रीज़न भी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी धमाकेदार जो न्यूज निकल कर आई थी कल के दिन में, सऊदी अरब की बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF ने रिलायंस रिटेल वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है। उसने है जो रिलायंस रिटेल वेंचर में 2.05% की हिस्सेदारी खरीदी है, और इसके एवज में उन्होंने 9,555 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस रिटेल वेंचर में। और इस तरह से जो ये इन्वेस्टमेंट बड़ा आया है, अभी तक करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस रिटेल वेंचर में 10.09% की हिस्सेदारी अभी तक बेच दी है, और उनका इरादा करीब 15% हिस्सेदारी बेचने का है। 15% हिस्सेदारी है जो वो रिलायंस रिटेल वेंचर के अंदर बेचेंगे, और करीब 60,000 से लेके 63,000 करोड़ के बीच में पैसे वो बनाएंगे। जो अभी तक इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है फ्रेंड, ये कंपनी से पहले भी करीब 7 कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है, जिसमें सिल्वर लेक है, KKR, जनरल अटलांटिका, मुबाडला, GIC, TPG, ADIA, ऐसे करके बहुत सारी इंटरनेशनल फर्में हैं जिन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस रिटेल वेंचर के करीब पूरे देश में 12,000 रिटेल स्टोर है, बहुत बड़ी उसकी पहुंच है। और अब रिलायंस रिटेल वेंचर ने फ्यूचर ग्रुप के साथ में अपनी डील की है 24,713 करोड़ में, तो उसकी वजह से बाहर के जो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी फर्में हैं, इन्वेस्टमेंट फर्में हैं, उनको एक आशा जगी है कि ये इन्वेस्टमेंट जो अभी डील हुई है ये बहुत ही शानदार है, उसकी वजह से रिलायंस रिटेल वेंचर का कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वो भी चाहते हैं कि उनको इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिले, आखिरकार वो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनको चाहिए बड़ा प्रॉफिट। तो इसी प्रॉफिट को पाने के लिए उन्होंने रिलायंस रिटेल वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, लगातार किया, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में उनको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगी। तो ये जो न्यूज है इसका असर पड़ रहा है। बीच में 7% के जब गिरावट हुई थी तो लोग बोल रहे थे कि अब इसमें इन्वेस्टर नए नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी जब ये नए इन्वेस्टर सऊदी अरब से आए तो एक उनकी जो बात थी वो गलत साबित हुई। रिलायंस रिटेल में आज भी लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है।
अब जो सेकेंड जो न्यूज निकल कर आई है वो भी बहुत शानदार है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2025 तक मुकेश अंबानी की ई कॉमर्स कंपनी जियो मार्ट पूरे ई कॉमर्स का जो बाजार है उसके ऊपर करीब 50% का कब्जा कर लेगी, यानी जितना पूरा बड़ा कारोबार है उसमें 50% का कब्जा जियो मार्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है कि आने वाले समय में जियो मार्ट का कामकाज बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। फिलहाल जियो मार्ट पूरे हिंदुस्तान में करीब 200 बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर कामकाज करती है, जबकि दूसरी जो कंपनियाँ हैं उनके कामकाज बहुत कम है। और जियो मार्ट ने जब ये शुरुआत की थी तो उन्होंने जो स्टार्ट में सिर्फ 3 सिटीज़ के अंदर ही शुरुआत की थी। 2019 के अंदर उन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनकी जो थे सिर्फ ठाणे, न्यू बॉम्बे और कल्याण, इस तरह से उन्होंने 3 सिटियों में ही कामकाज शुरू किया था। लेकिन जब कोविड-19 की प्रॉब्लम शुरू हो गई और सारे मार्केट बंद हो गए थे बाजार, तो उस टाइम में उनको मौका मिला और उन्होंने अपने बाजार को फैला दिया और आज की तारीख में करीब 200 सिटीज़ में उनका कामकाज चल रहा है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में वो कामकाज कर रहे हैं। और दूसरी कंपनियों की अगर बात करें जो ई कॉमर्स कंपनियाँ जो कारोबार कर रही है तो वो कहाँ पे बैठती है, अमेजॉन फ्रेश 9 सिटीज़ में काम कर रही है, फ्लिपकार्ट सुपर 5 सिटीज़ में है और स्विगी के स्टोर 30 सिटीज़ में है, बिग बास्केट 26 सिटी में है, ग्रोफर्स 30 सिटीज़ में, सारे जोड़ दो तो उनसे ज़्यादा की मात्रा में जियो मार्ट है। यानी ये सारी जो कंपनियाँ हैं उनकी सबकी मात्राएँ जोड़ दे शहरों की तो उनसे डबल की मात्रा में जियो मार्ट है। यानी जियो मार्ट बहुत ही बड़े पैमाने में बड़े शहरों में अभी तक उसका कामकाज शुरू हो चुका है। यानी जियो मार्ट ने ऐसी ऐसी जगह पे अपनी एंट्रियाँ कर ली हैं जहाँ पे ये है ही नहीं, अभी कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है ही नहीं। क्या कहें, बेसिकली ई कॉमर्स जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ऑनलाइन स्टोर चलाने वाली वो बड़े शहरों को ही टारगेट करती है, लेकिन जियो मार्ट छोटे छोटे शहरों में भी अपनी पहुँच बना चुका है और बहुत सारे रिटेल कारोबारी जो रिटेल किराना स्टोर्स हैं उनसे उन्होंने कोलैबोरेशन किया है और इसकी वजह से उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आने वाले समय में गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 2025 तक आराम से पूरे इंडिया के 50% कारोबार पर इनका कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है। और जो बोलते थे जिन्होंने टारगेट दिया था कि अब यहाँ से इसमें गिरावट होगी, इसमें अभी निगेटिव माहौल बन चुका है, ये 1100 तक जाएगा, वो बिल्कुल गलत साबित होने वाले, क्योंकि जिस तरह से ये कारोबार बढ़ रहा है इनका, जियो मार्ट का जो कारोबार इतना शानदार तरीके से आगे बढ़ गया है, जो इन्वेस्टमेंट अब रिलायंस रिटेल वेंचर में लगातार में बढ़ रहा है, तो कैसे लगता है कि ये गिरेगा शेयर, कोई संभावना नहीं बन रही। जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनके गलत इरादे हैं, परंतु बात जो है सामने है, क्लियर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर न्यूज़ निकल कर आई है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 2007 में शेयरों में अनफेयर ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने आरपीएल और उसके 12 प्रमोटर पर शेयरों में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी और सामने उनको करीब 447 करोड़ का जुर्माना विद इंटरेस्ट लगाया था। जो कंपनी 2007 में आरपीएल थी उसका 2009 यानी 2009 में विलय हो गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इस तरह से जो सेबी ने उस पर रोक लगाई थी कि आपने जो ट्रेडिंग का जो नियम है बने हुए उसमें छेड़छाड़ की है और आपने नियम कायदों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया था और कारोबार पे भी प्रतिबंध लगाया था। तो इसके खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी सेट में गए थे और वहाँ पे अपील की थी। तो वहाँ से मार्च में उसका जो फैसला आया था उसमें सेट ने अपील जो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की उसको खारिज कर दिया था, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो मन बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे सेट के आदेश के खिलाफ। तो इस तरह से जो मामला बन रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज सेबी के सामने आ चुकी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि हमने कोई भी अनफेयर काम नहीं किया था, हमने किसी भी तरह की इलीगल कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए हम इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देंगे। हमने जो भी काम किया था सारा पारदर्शी तरीके से किया था और उसमें ट्रेडिंग में कहीं पर भी कोई छूक नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे पे जुर्माना लगाया गया, हम वो जुर्माना नहीं चुकाएंगे, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। तो इस तरह से एक के बाद एक धमाकेदार न्यूज़ निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 2025 तक जियो मार्ट पूरे ई कॉमर्स बाजार में 50% तक कब्जा कर लेगा, यानी बहुत बड़ी एक जीत होगी और सामने से बिग बाजार और आरआरवीएल है उसकी जब दोनों मिल जाएंगे तो जो ऑफलाइन बाजार है उस पर भी जबरदस्त कब्जा होने वाला। तो इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कब्जा है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बाजार में जबरदस्त होने वाला है। तो आप समझ लो इसका सारा जो
आने वाले समय में जो उसको प्रॉफिट मिलने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही मिलेगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखने वाली है। साथ में फ्यूचर ग्रुप वालों को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मर्जर हो जाएगा तो फ्यूचर के ग्रुप के जो शेयर है उनमें भी साथ में तेजी की संभावना बनेगी। तो इस तरह से ये जो अभी जो न्यूज़ निकल कर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही शानदार है, उसके साथ में उसके शेयर के लिए शानदार है, उसके इन्वेस्टर के लिए भी बहुत शानदार है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है तो शेयर में तेजी दिखती है, आने वाले समय में तेजी बनेगी, इसमें बनेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस लेवल पर आपको करना चाहिए, सबसे शानदार शेयर है, सेफ शेयर है, इसमें अभी जो लेवल पर मिल रहा है इसमें आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तेजी की संभावना बनने वाली है। जिस तरह से ये अभी कामकाज बढ़ रहा है, आपको आराम से एक साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 30-35% का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।